दसवीं क्लास का अध्याय सत्त दी अभ्यास सत्त पॉइंट एक का पंजवां सवाल करने तो पहला कुछ चतुर्भुजां वाले जानकारी भी लैनी होएगी सानू। देखो ये मैं थोड़े को एक आयत बनाया है, आयत ये है समांतर चतुर्भुज जिसमें इंग्लिश में रैक्टेंगल ते पैरेललोग्राम कहा जाता है। हुण इस गल का ध्यान रखना बेटा कि आयत ते पैरेललोग्राम, आयत ते समांतर चतुर्भुज या रैक्टेंगल ते पैरेललोग्राम की जिहड़ियां आमने सामने वाली भुजावां जिहड़ियां ने बराबर होंदियां, आ भुजा इहदे बराबर होंदी है ते आ वाली भुजा जिहड़ी है इहदे बराबर होंदी है, इहदे विच वी इही हुंदा है। इहदा मतलब ए बी पूजा डी सी के बराबर होंगी है तो बी सी ए डी के बराबर होंगी है। तो यदि जो तुम ए तो बी की दूरी पता करोगे, बी तो सी की, सी तो डी तो ए की, तो थोड़ी आमने सामने वाली भुजावें बराबर आ जाएगी है, पर तुम फिर निष्कर्ष नहीं कर सकोगे कि वो आयत है या समांतर चतुर्भुज है, क्योंकि वोदियाँ भी आमने सामने वाली भुजावें बराबर है, यदि भी आमने सामने वाली भुजावें बराबर है। फिर कि हेल्प लवेंगे असं विकरणा की बेटा, आ देखो ए तो सी बिंदु लिख के उन्होंने दूरी पता करा, बी तो डी बिंदु की दूरी पता करा। हूँ इस गल का याद रखना है जोड़ी फिगर जेड़ा चतुर्भुज 90 डिग्री के कोण तो बनता है उन्होंने विकर्ण बराबर होंगे रहे हैं। यह मतलब आयत कदों होएगा जेकर विकर्ण बराबर होए, तो जेकर विकर्ण बराबर नहीं होए तो वह समांतर चतुर्भुज होएगा। गल समझ लग गई, जेकर आमने सामने वाली भुजावां बराबर आदि ने फिर विकर्ण कट के जे विकर्ण बराबर आ गए तो आयत, नहीं आए तो समांतर चतुर्भुज। इस तरह ही बेटा दो होर होंगे साढ़े को वर्ग के सम चतुर्भुज, इन्हां दी चारे भुजावां वर्ग दीआं चारे भुजावां बराबर होंदियां ने, सम चतुर्भुज दीआं भी चारे भुजावां बराबर होंदियां ने। इहदा मतलब जदों तुसीं दूरियां पता कीतियां तो सारियां ही बराबर आ गईआं, ए बी बी सी सी डी डी ए सारे बराबर आ गए, तो जां तां वर्ग होवेगा जां सम चतुर्भुज होवेगा। फिर किदां पता लगेगा? विकरणा तों। असीं ए सी ते बी डी विकरण पता करांगे, जे बराबर आ गए तां वर्ग, ते जे बराबर नहीं आए तां सम चतुर्भुज होवेगी। इस गल का ध्यान रखना बेटा, ये जे चार मैं तुम्हें कंडीशन दसिया ने इस उत्ते ही अगले सवाल आधारित ने। हूँ आप अगले सवाल करने जा रहे हैं, ध्यान देखना पंजवा सवाल। हूँ सवाल कह रहे हैं कि किसी जमात में चार मित्र बिंदुआ ए बी ते सी ते बैठे हैं, इस तरह के चित्र में दर्शाया गया है। देखो चित्र में दर्शाया गया ए बिंदु उत्ते बैठा है, बी सी ते डी। चंपा ते चमेली जमात के अंदर आउंदियां हन ते कुछ समा देखने तो बाद चंपा चमेली नूं पुछदी है कि तू नहीं सोचदी कि ए बी सी डी जे आपां इन्हां दे बिंदुआं नूं जोड़ दईए तो एक वर्ग बन जाएगा। चमेली कहती है नहीं, कहते दूरी सूत्र ला के दसो कि इन्हां विचों कौन सही है। चंपा कह रही है कि वर्ग बनेगा, चमेली कह रही है नहीं बनेगा। इंग्लिश वाले बच्चे देखो, इन अ क्लासरूम फोर फ्रेंड्स आर सीटेड एट द पॉइंट ए बी सी एंड डी एस शो इन द फिगर। चंपा एंड चमेली वॉक इन टू द क्लास एंड आफ्टर ऑब्जर्विंग फॉर अ फ्यू मिनट्स चंपा आस्क चमेली डोंट यू थिंक ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। चंपा चमेली को कह रही है कि क्या ऐसा नहीं लगता कि ए बी सी डी स्क्वायर है। चमेली डिसएग्री, चमेली कहती नहीं, यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड विच ऑफ दैम इज करैक्ट। तो सब तो पहले सानू की करना होएगा, सानू ए बी सी ते डी दे बिंदु नू लभना होएगा। किदा लभदे हां? देखो ए बिंदु ते आपां पैन रखना है ते थले एक्स टूरेबल देखना है की लिखा है। पहला एक्स टूरेबल जाना है फिर वाई टूरेबल। एक्स टूरेबल 3 है, असी पहला 3 लिख लेना है, फिर वाई टूरेबल 4 है, असी 4 लिख लेना है। इस तरह ए का बिंदु आ गया 3,4। बी ते खड़े हो जाना है, पहला एक्स टूरेबल देखना है 6 ते वाई टूरेबल है 7, ते बन गया 6,7। लग रही समझ? सी बिंदु देखो थले 9 ते इधर 4, 9,4। तो डी बिंदु तुहाडे कोल आ गया है 6,1। इस तरह असीं चारे बिंदु प्राप्त कर लेने। हुण असीं देखो ए बी सी डी बिंदु लिख लेने, तो ए ते बी दे बिंदु दे विचकार दूरी पता करन लई ए बिंदु लिख लिया है, बी बिंदु लिख लिया है। हुण असीं एरो लगावांगे, 6 ने जाना है 3 दे कोल ते 7 ने जाना है 4 दे कोल। दसो की लिखांगे? 6-3 दी घात 2 जमा 7-4 दी घात 2, ठीक है ना। हूँ 6 दे विच 3 गए 3, 3 दी घात 2 जमा 7-4 गए 3, 3 दी घात 2। इहदा मतलब साडे कोल आंसर आ गया है 9-9, जिस नूं असीं वर्गमूल 18 लिखांगे बेटा। इस तरह सानू ए बी दी प्राप्ति हुई है। हुण आपां बी सी लई करांगे। देखो बेटा असीं बी सी बिंदू लिख लेने, हुण एरो लगा लिया है, 9 जा रहा है 6 दे कोल, मतलब 9-6 दी घात 2 जमा 4-7 दी घात 2 होवेगी। 9 दे विचों 6 गए 3, 3 दी घात 2 जमा -3 दी घात 2, 9-9 सानू फिर दोबारा बेटा वर्गमूल दा 18 प्राप्त होया है बी सी। हुण आपां सी ए पता करांगे, ध्यान देखियो।
देखो बेटा सी डी पता कराना है, ए तो बी तक दूरी पता कर ली है, बी तो सी दी पता कितनी है, सी तो डी दी पता करांगे। 6 माइनस 9 दी घात 2 जमा 1 माइनस 4 दी घात 2। 6 चो 9 गए 3 पर वड्डी रकम माइनस दी है, 1 चो 4 गए 3 पर वड्डी रकम माइनस दी है, पर घात 2 ने माइनस नूं प्लस करना है 9 जमा 9, सानूं फिर दोबारा सी डी जिहड़ा है 18 प्राप्त हो गया। इस तरह सानू ए बी बी सी सी डी तीनों ही 18 मिल गए ने। हुण देखो ए तो बी, बी तो सी, सी तो डी मिल गया है, हुण डी तो ए जाना है आपां, डी ते ए दा पता करांगे, दूरी ध्यान नाल दिखनी है। देखो बेटा डी ए दे विच 3 माइनस 6 4 माइनस 1, 3 माइनस 6 जमा 4 माइनस 1 दी घात 2, 3 दे विचों 6 गए 3 हुंदे ने बट माइनस दे वड्डी रकम माइनस दी है, 4 चो 1 गए 3, 3 दी घात 2, 9 जमा 9, सानू फिर दोबारा बेटा वर्गमूल 18 प्राप्त हो गया है, जो कि डी ए का मूल होएगा। हुण असीं चारे भुजावां पता कर लिया ने, हुण चारे भुजावां बराबर आईया ने बेटा, 18 वर्गमूल 18 वर्गमूल 18, इहदा मतलब ये जिहड़ा चतुर्भुज है जां तां वर्ग होवेगा जां फिर सम चतुर्भुज होवेगा। तो तुहानूं मैं दस्या कि वर्ग ते सम चतुर्भुज नूं विच फर्क करन लई सानू विकर्णां दी हैल्प लैणी पैंदी है, ते विकर्ण साडे कोल कहिड़े हुंदे ने तुसीं देख सकदे हो, ए सी ते बी डी, पहला ते तीजा दूजा चौथा। जे ना पता लगे तो तुसीं साइड ते एक डब्बा बना के उत्ते ए बी सी डी लिखो, देखो तुम देख सकते हो ए सी ते बी डी साढ़े कोल विकर्ण होणगे। हुण असी ए ते सी पता करांगे, ध्यान नाल देखना सारा ने। देखो असी ए बिंदू ते सी बिंदू लिख लिया है, 9 जा रहा है 3 दे कोल ते 4 जा रहा है 4 दे कोल, 9 माइनस 3 दी घात 2 जमा 4 माइनस 4 दी घात 2, 9 दे विचों 3 गए 6, 6 दी घात 2 ते 0 दी घात 2 हुंदा है 6 दी घात 2 36, इस तरह 6 जा रहा है बेटा 6 दे कोल, 6 माइनस 6 दी घात 2 जमा 1 जा रहा है 7 दे कोल, 1 माइनस 7 दी घात 2, 0 जमा 1 चो 7 गए 6 वड्डा माइनस दा है तां वी फिर 36 ही आ गया है। इहदा मतलब साडे कोल विकर्ण वी बराबर आ गए ने, ध्यान नाल सुनना है, चारे भुजावां बराबर ते विकर्ण भी बराबर, ते साफ पता लग रहा है कि साडे कोल की होएगा वर्ग होएगा। बेटा बेटा आपां लिख लिया है कि इस चतुर्भुज दीआं चार भुजावां बराबर हन ते विकर्ण भी बराबर हन, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड डायगनल्स आर इक्वल, सो इट इज स्क्वायर, तो चंपा सही है, चंपा इज करैक्ट। इस तरह बेटा साडा सवाल कंप्लीट हो गया। पंजवां, ध्यान नाल समझो कि इस विच चतुर्भुज है, चतुर्भुज दे वाले सवालों दे विच चारे भुजावां ते दो विकर्ण कढ के ही सवालों का पता लगता है। हुण अगला भाग देखदे हां, 6वां क्वेश्चन। 6वें सवाल विच भी सानूं कहा जा रहा है कि हेठा दिते बिंदुआं द्वारा बनन वाले चतुर्भुज की किस्म लिखनी है, नेम द क्वाडिलेटरल, चार बिंदु दिते ने सानूं, ते असीं फिर दसना है कि ये रोम्बस है, स्क्वायर है, रैक्टेंगल है, या पैरेललोग्राम है, जां आयत, समांतर चतुर्भुज, सम चतुर्भुज, जां वर्ग है। असीं फिर इन्हां नूं ए बी सी डी दा नाम दिता। सब तो पहला ए तो लैके बी तक की दूरी पता करन लई देखो असीं ए ते बी दे पॉइंट लिखे ने, 1 दा एरो माइनस 1 कोल, 0 दा एरो माइनस 2 कोल गया है, तो की बोलांगे असीं, 1 जमा 1 दी घात 2, 0 जमा 2 दी घात 2, 1 ते 1 2 हुंदे ना 4 ते 4 8, साडा आंसर आ गया। इसे तरह असीं बी ते सी बिंदू लिख के देखो, -1 इधर, इधर वाला -1 है ते इधर वाला भी -1 बन जाएगा क्योंकि रकम दा साइन चेंज करना है, -1 -1 दी घात 2, 2 -0 दी घात 2, -1 प्लस हुंदे ने 2 दी घात 2, 4 ते 4 फिर 8 आ गया, -3 + 1 0 -2, ध्यान रखना जदों भी इधरों इधर बोलना है तो इधर साइन देख लेना पहला किहड़ा है, तो उल्टा बोलना तुसीं, तो -3 + 1 की घात 2, 2 0 - 2 की घात 2, फिर -3 + 1 2 बन गए, माइनस दे बनने पर घात 2 ने प्लस कर देना है, 4 ते 4 8 आ गया, असी ए बी बी सी सी डी कढ लिया है। हुण असी डी ए कढांगे, चौथी भुजा, फिर विकर्णा दे बारे, फिर बता आपां डी ते ए पता किया, डी लिख लिया है, ए लिख लिया है, -1 इधर माइनस दा सी प्लस बोलांगे, -1 + 3 की घात 2, -2 - 0 की घात 2, -1 + 3 जड़े को 2 हो गए ने, 2 की घात 2 4, -2 की घात 2 भी 4, ते इस तरह साडे कोल ए बी बी सी सी डी डी ए सारे ही वर्गमूल 8 आ गए ने। इहदा मतलब सवाल साडा वर्ग जां सम चतुर्भुज दे विचों कोई होएगा। हुण डायगनल्स जां विकर्ण तो सानूं पता लग सकदा है, विकर्ण साडे कोल हुंदे ने ए ते सी, बी ते डी, तुहानूं मैं दस चुका है। जेकर किसी बच्चे नूं विकर्ण दे विच हजे भी टेंशन है बेटा, वो एक छोटा जिहा चतुर्भुज बनाएगा, इतने ए बी सी डी लिख के जो विकर्ण खिंचेगा बेटा, तो उसको पता होएगा कि असी ए बी कढ लिया है, जो कि साढ़े को आया है वर्गमूल 8 आया है, फिर असी बी सी कढ़िया, वह भी वर्गमूल 8 आ गया,
फिर सी डी कढ़िया भी वर्गमूल अठ आ गया भी वर्गमूल अठ आ गया हूँ असी बी डी तो ए सी कढ़ांगे और देखो ए सी तो आता बी डी है ये दोनों भी वर्गमूल 16 तो वर्गमूल 16 बराबर आ गए ने मैं लिख लिया देखो ए बी बी सी सी डी डी ए सारे बराबर आ गए ने ए सी तो बी डी भी बराबर आ गया है तो यह वर्ग के शिखर हैं दीज आर वर्टिसिज ऑफ स्क्वायर हूँ यदि दूजा भाग करा ध्यान देखियो सैकेंड भाग के सू फिर चार बिंदु दिए गए असं उसू ए बी सी डी नाम दे दिता है देखो सब तो पहले ए तो बी बिंदु फिर बी सी ते सी डी तीन दूरियां पता करनिया ने एरो देखो तीन माइनस तीन को जा रहा है इस करके तीन जमा तीन बन गया एक माइनस पांच बन गया जीरो माइनस तीन की घात दो तीन माइनस एक की घात दो माइनस एक माइनस जीरो की घात दो माइनस चार माइनस तीन की घात दो उम्मीद कर रहा तुम्हें यह चीज़ से गलती नहीं होनी चाहिए बेटा जी मैं लिख रहा हाँ इस तो बाद आप कर ही लें तीन तो तीन जुड़ के छे बन गए ने एक जुमा का है एक जोड़ता है पांच माइनस का है चार आ गए वही रकम माइनस दी से इस करके माइनस लग गया इस तरह जीरो माइनस थ्री आ गए तीन माइनस एक दो बस तो ये याद रखना है कि एक रकम प्लस दी है तो एक माइनस दी उन्होंने घटाना है इस गल का ध्यान रखना है का दो ने अपने आप ही माइनस को खत्म करी जाना है तो इस तरह साडा पहला ए बी का जो आंसर है वर्गमूल 52 आ गया है 36 जमा 16 दूजा तीन की घात दो नौ तो दो की घात दो चार 13 आ गया है एक तो 49 मिल के 50 हो गए हैं तुम देख रहे हो कि ए बी बी सी सी डी असी कढ़ लिया है पर तिना दे विच कोई भी रिलेशन नहीं आ रहा सा ना तो तिने बराबर आ रहे ना ही तुहाडे कोल ए बी ते सी डी बराबर आ रहे हैं तुम एक बार डी ए होर कढ़ के देख लो फिर असी कुछ निष्कर्ष से निकलांगे हूँ बेटा आप तीजा चौथा भाग डी ए भी पता कर लिया है माइनस एक माइनस चार तो माइनस तीन तो पाँच है माइनस तीन प्लस एक पाँच प्लस चार देख सकते हो तुम माइनस तीन तो प्लस एक बन गए दो माइनस दे पाँच चार बन गए नौ दो की घात दो चार नौ की घात दो 81 जुड़ के बन गया 85 इस तरह से देखते हैं कि ए बी बी सी सी डी डी ए दे विचों साडे कोल कोई भी बराबर नहीं आया है असी लिख लिया है इस तरह दिए गए चतुर बिंदुओं द्वारा कोई भी चतुर्भुज नहीं बनता है नो टाइप ऑफ क्वाडिलेटरल हूँ आप तीजा भाग करन लगे ध्यान देखियो मैडम तीजा भाग देखो ध्यान इस विच भी सानू चार बिंदु दिए गए हैं इसनों असी ए बी सी डी नाम दे दिता गया है सब तो पहले ए ते बी बिंदु लिखे है फिर बी सी ते फिर सी डी ए बी बिंदु दे विच सत्त फिर इहदा साइन चेंज करके बोलांगे सत्त माइनस चार की घात दो छे माइनस पाँच की घात दो सत्तों चार गए तीन छे दे विचों पाँच गए एक तीन की घात दो नौ ते एक दस साडा ए बी आ गया है इस तरह चार इहदा साइन चेंज करके माइनस सत्त चार माइनस सत्त की घात दो तीन माइनस छे की घात दो चार ते सत्त घटा के तीन मिलते हैं तीन ते छे घटा के भी तीन मिलते हैं वड्डी रकम जो साइन ना लगता है पर घात दो ने उस माइनस नू खत्म करना होंदा है तीन की घात दो नौ तीन की घात दो नौ साडा आंसर कितना आ गया फिर 18 आ गया है हुण सी ते डी एक माइनस चार की घात दो माइनस तीन की घात दो एक माइनस चार प्लस माइनस माइनस तीन आ गया है वड्डी रकम का साइन माइनस लग गया फिर प्लस माइनस माइनस एक आ गया है वड्डी रकम का साइन माइनस लग गया बट घात दो जी आप करते हैं वो सारी प्लस दी ही हो जाती है नौ तो एक दस देखो ए बी तो ए सी डी बराबर आ गए हैं हूँ असी डी ए पता करा फिर डी ए पता करने तो बाद साढ़े को आ जाएंगे विकर्ण विकर्ण कहे सके ए पहला तो तीजा ए सी फिर बी डी बेटा हूँ देखो डी तो ए आप दूरी पता की है चार माइनस एक की घात दो पाँच माइनस दो की घात दो चार चो एक गए तीन पाँच तो दो गए तीन तीन की घात दो भी नौ होंदा है तीन की घात दो भी नौ तो नौ 18 आ गया है इस तरह साढ़े को असी देखिया कि ए बी बी सी सी डी डी ए चार निकल गए पर ए बी जिहड़ा है वो सी डी दे बराबर आ रहा है तो बी सी जिहड़ा है वो डी ए दे बराबर आ रहा है तो सानू पता लग रहा है कि जां तां इह साढ़े को आयत बनेगा जां फिर समांतर चतुर्भुज बनेगा हूँ असी विकर्ण पता करांगे विकर्ण साढ़े को ए ते सी हुंदे ने ते बी ते डी हुंदे ने तुसीं देख सकते हो विकर्ण पता कीता है चार माइनस चार की घात दो तीन माइनस पाँच की घात दो जीरो ते दो की घात दो चार होंदे ने सत्त छे एक दो दे विच एक माइनस सत्त की घात दो माइनस छे की घात दो ये आ गया साढ़े को छे की घात दो ये आ गया साढ़े को चार की घात दो छे की घात दो 36 होंदा है चार की घात दो 16 होंदा है 16 दे 36 जोड़ के साढ़े को कितना आ गया 52 ते साढ़े विकर्ण बराबर नहीं आए ने मैं लिख लिया कि साढ़े को आमने सामने वाली भुजावां ए बी जी है सी डी के बराबर है तुम देख सकते हो तो बी सी जी है डी ए बराबर है तो ए सी ते बी डी आ साढ़े बराबर नहीं आए हैं इसका मतलब की है कि यह समांतर चतुर्भुज शिखर होंगे दीज आर द वर्टिसिज ऑफ पैरेललोग्राम उम्मीद कर रहा तुम्हें समझ आया होगा सवाल असी तिने भाग इस सवाल के चतुर्भुजा लई कर लेने जिदे विच असी दस्या कि केड़ा केड़ा जिहड़ा चतुर्भुज बनया है वर्ग बनया है समांतर चतुर्भुज बनया है या कोई भी चतुर्भुज नहीं बनया है तो इस तरह साडा जिहड़ा सवाल छेवां ये भी कंप्लीट हो गया है
उम्मीद करता है कि तुहानू वधिया तरीके नाल समझाउण दी मेरी कोशिश जिहड़ी है पूरी होई होगी। तो जेकर मेरी वीडियो वधिया लगे तो तुहानू समझ आ रहा तो जरूर लाइक करो, जरूर कमेंट करो। तो जेकर मेरे चैनल नू हजे तक किसी ने सबसक्राइब नहीं किया तो जरूर सबसक्राइब कर दियो बेटा, जिथे तुसीं वीडियो देख रहे हो उत्थे सबसक्राइब लिखा होया है उस ते ही क्लिक करना है।